जनपद बलरामपुर में 27 मार्च से 30 मार्च तक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्राओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जिले के कस्तूरबा गांधी विद्यालय की 11 छात्राओं ने भाग लिया। जिले के पिछड़े क्षेत्र में स्थित इन विद्यालय की छात्राओं ने बैडमिंटन, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर यह सिद्ध कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अवसर मिले तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा बंधु एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ रामचंद्र ने कहा कि इस तरह के आयोजन पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्र के इन बच्चियों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं ये कहना चाहूँगी इन कार्यक्रम के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो अपने आप को तराश सके और एक अपना जो अपॉर्चुनिटी जो उन्हें इन जनरल नहीं मिलती है वो मिल सकती है। खेल कूद और स्काउट के द्वारा बच्चियों को जोड़ें, एक दूसरे से जोड़ें, और इसके बाद एक नई व्यवस्था हमने करी इस बार कि हमने एक ट्रॉफी की व्यवस्था करी है, जो हर साल वो ट्रॉफी जो स्कूल अच्छा प्रदर्शन करेगा खेल और स्काउट गाइड में वो हर बार उसको दी जाएगी। इससे एक बड़ा अच्छा माहौल बना है हमारे छात्राओं के बीच में कि उनके बीच एक प्रतिष्ठा की भावना जगी है कि अगली बार उस ट्रॉफी को खेल में या स्काउट गाइड में इसको लेके जाना है। और ये वो प्रतिभाएं हैं जिनको खोज करवाया जाता है विद्यालय में और ये आगे चलकर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगी। हमारे यहाँ की बच्चियाँ काफी मजबूत हैं और खेल में वहां पर फोटो टेक्निकल विधियों को अपनाकर ये आगे बढ़ती रहेंगी और आगे जाके इनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आज ये जिले पर आई हैं, कल मंडल में जाएंगी, परसों राज्य में सभी लोग नेशनल लेवल पर जाकर हमारी बच्चियां भविष्य अपना रोशन करेंगी। मेरा नाम ज्योति है, मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जंगल गांव पेशरावा की हूँ। बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ पे कबड्डी और खो और दौड़ और 200 दौड़ में 400 दौड़ में लिए हैं भाग और बहुत अच्छा। हम लोगों का प्रदर्शन सभी खेलों में अच्छा था, इसलिए हमें ये चैंपियन ट्रॉफी मिली है।